लंघनम सर्वोत्तम औषध, अर्थात उपवास को सर्वोत्तम औषधि माना गया है। यकीन नहीं आता तो आप जापान के उस वैज्ञानिक को भी जान लीजिए जिसे फास्टिंग पर नोबल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, इसी पर मैं एक आपके चश्मों खोलने वाले एक संदर्भ आपके सम्मुख रखता हूं। नवरात्रि वर्ष में दो बार आती है, चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र। यह हमेशा उस समय होता है जब प्रकृति ऋतु परिवर्तन करती है। यह संक्रमण काल है और आयुर्वेद के मनुष्यों ने इस समय को शुद्धिकरण के रूप में पहचानना और आने वाले ऋतुओं के लिए शरीर को उस योग्य बनाने के लिए व्रत का नियम दिया है। यह वह समय है जब हम देवी आराधना से शक्ति प्राप्त करते हैं। इसी समय हम शरीर के लिए भी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे मेडिकल में इम्यून पावर और आयुर्वेद में ओजस कहा जाता है। मैं आयुर्वेद की दृष्टि से व्रत की सामयिक विवेचना कर रहा हूं। आयुर्वेद में व्रत को आंतरिक शुद्धिकरण का भाग माना गया है। यही शुद्धिकरण शरीर में उत्पन्न अत्यंत हानिकारक टॉक्सिन्स अमा को दूर करना, जठरागी को बढ़ाना और शरीर का शोधन करना है। कुछ व्रत एक दिन या दो दिन के होते हैं और कुछ ज्यादा दिन के होते हैं, जैसे नवरात्रि। 9 दिन में हमें उपरोक्त तीनों चीजें प्राप्त करनी होती हैं। याद रहे कि आयुर्वेद में संपूर्ण निराहार और जल त्याग को दुर्लभ कहा गया है, अर्थात ना हमें पूर्ण निराहार रहना है और ना जल का त्याग करना है। जैसे शारदीय नवरात्रि में हमें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में संचित अमा को दूर करना होता है। यह अमा हमारी कोशिकाओं तक में पहुंच जाता है। जब यह दूर होता है, जठरागी बढ़ जाती है, तब हमारे द्वारा लिए गए औषधीय गुण वाले भोज्य पदार्थों से उत्पन्न रसायन से इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर सेल्फ हीलिंग करने लगता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम मिल जाता है, बाउल मूवमेंट सुधर जाता है, लिवर और किडनी की क्रिया प्रणाली सुदृढ़ हो जाती है। बहुत से लोग गलत तरीके से व्रत रखते हैं। गलत मैं आयुर्वेद की दृष्टि से कह रहा हूं, बाकी आपको कैसे व्रत रहना है यह आप पर निर्भर रखता है। सिर्फ आलू खाना, बहुत देर तक भूखा रहना, ऑयली चीजों का ज्यादा लेना, मीठा ज्यादा ले लेना, ये सब गलत है। सर्वप्रथम ये बात याद रखें कि अचानक उपवास नहीं करना चाहिए, एक दो दिन पहले से हल्का भोजन लेना चाहिए। इसी तरह उपवास समाप्ति के बाद भी तुरंत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज और बीपी के मरीज अपने डॉक्टर की सलाह पर ही व्रत रखें। व्रत के समय शरीर का शोधन होता है। शोधन के लिए जरूरी है जल, इसीलिए जल का अधिक उपयोग करना चाहिए। व्रत में सूर्य उदय पूर्व उठना जरूरी है, यानी व्रत जिस दिन हो उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। यह मानसिक व्रत है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह गलत है। सुबह ताम्र जल में उष्पान करें, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गुनगुने पानी में शहद, नींबू अथवा त्रिफला अथवा आंवला एलोवेरा के रस का पान करें। मैं त्रिफला के लिए उत्साह या उसको इनकरेज करता हूं, क्योंकि ये त्रिदोष शामक है। व्रत में यह बहुत तेजी से फायदा करता है। योग आदि से निवृत्त होकर पेट भर के मौसमी फलों का सेवन करें। विभिन्न प्रकार के फलों को दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है। मैं जूस को प्रोत्साहन देता हूं, क्योंकि जूस बीमार लोगों के लिए है जो कुछ पचा नहीं पाते। फलों को गुदे सहित खाने से आवश्यक फाइबर भी मिलता है। पूजन आदि फल खा के ही करें, खाली पेट पूजन नहीं करना चाहिए। अगर भूख बहुत तेजी से लग रही है तो पेट के
गैस्ट्रो जूस से पित्त बढ़ेगा और वो नुकसान करेगा। या तो पूजन बहुत सुबह कर लीजिए, अगर 7 और 8 के बीच में करने जा रहे हैं तो फलाहार कर कर ही पूजन कीजिएगा। 10-11 बजे या जब भी पूजन से उठे तब आप 1 कप चाय ले सकते हैं। चाय 1 कप या कॉफी, इसका मतलब जीरा, दालचीनी और सौंफ की चाय बनाएं। इसमें थोड़ा नींबू अदरक डालना पड़े तो डाल सकते हैं। यह दीप्त यानी जठरागी को बढ़ाता है। यह चाय संध्या काल में भी लेना चाहिए, हो सके तो निकोटिन वाली चाय से परहेज करें। देखिए, उपवास में प्रत्याहार लिया जाता है, मतलब प्रति आहार जो सामान्य आहार से भिन्न होता है, इसलिए रोज की उन चीजों से उपवास करना चाहिए जिसके हम आदि हो चुके हैं। इसके बाद जब भूख लगे तो आप नारियल पानी या सब्जियों का सूप या सलाद ले सकते हैं। आप रोस्टेड मखाना या मूंगफली भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लंच में आप कुट्टू के आटे की रोटी या पराठा, लौकी, धिया, तुरई या साग सब्जियों के मिक्स थोड़ी सब्जी ले सकते हैं। कुट्टू के शुद्ध आटे में बहुत से मिनरल, प्रोटीन और विटामिन भी नियासन आदि जैसे चीजों से परिपूर्ण होते हैं। आप तिन्नी के चावल में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को डाल के खिचड़ी बना सकते हैं। अगर आप मूंग का सेवन करते हैं तो उसमें डाल दें। लंच में बढ़िया गाय के घी या घर में बने देसी घी के 2-3 चम्मच डालकर खाना खा सकते हैं। इसके बाद आप 1 कटोरी दही का सेवन कर सकते हैं। लंच के आधे घंटे बाद छाछ या लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। किसे छाछ लेनी है और किसे लस्सी, ये मैं उन पर छोड़ता हूँ। शाम की भूख को खत्म करने के लिए साबूदाने की खिचड़ी या आलू की टिक्की और सूप ले सकते हैं। ग्रीन टी भी ले सकते हैं। 1 चाय और बना सकते हैं, उसमें खौलाते पानी में अदरक डाल के उपबलिया गैस बंद होने पर उबालिए, डाल के उबालिए। गैस होने बंद होने पर उसमें पुदीने की पत्ती और गुनगुना होने के बाद शहद मिलाकर पी सकते हैं। रात्रि में आप लंच में जो बताया है उसमें से कोई भी चीज ले सकते हैं, बस घी का प्रयोग कम होना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद आप दूध ले सकते हैं। जब भी भूख लगे तो ताम्र जल या साधारण जल को भरपेट पीना चाहिए। यह ईसोफेगस से लेकर आंत तक की शुद्धि करता है। यह डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी है। कुछ और प्रयोग, जैसे इस समय आंवला आ गया है, 1 आंवले का पानी 7 मिक्सी में पीस के कपड़े से छानने के बाद उसे पी सकते हैं। नारियल पानी हो तो चलेगा। CCF चाय बहुत अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है। अब मेडिकली समझिए तो शरीर उचित मात्रा में हाइड्रेंट रहता है। तब भूख लगने पर हमारा लिवर कीटोन्स पैदा करता है, जो शरीर में जमा वसा को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे आजकल डाइटिशियन कीटो डाइट कहते हैं। आप महसूस करेंगे कि व्रत में शरीर हल्का और ऊर्जे से परिपूर्ण हो जाता है। पहले 1-2 दिन थोड़ा थकावट लगता है, लेकिन पुनः सब सही हो जाता है। यही कीटो का प्रभाव है। किसी ने पिछले पोस्ट में कमेंट में पूछा कि 9 दिन बिना नमक के व्रत रखते हैं, क्या यह सही है? यह निरी मूर्खता है। ना आयुर्वेद और ना एलोपैथ इसकी सलाह देते हैं। यह नुकसानदायक है। शरीर में सोडियम की मात्रा कम होने से कमजोरी, चक्कर आने लगता है। इसलिए आयुर्वेद में सेंधा नमक या पिंक हिमालयन नमक का प्रयोग होता है। रोगी, बच्चों, गर्भवती महिला और बुजुर्ग को व्रत ना करने की सलाह दी जाती है। आप अपने निकट संबंधियों से इस विषय पर जरूर बात करें और आपको लगे जानकारी शेयर करने उपयुक्त है तो जरूर शेयर करें।